करनाल के रेलवे रोड स्थित गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 172 स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसी एग्जीबिशन लगाने के उद्देश्य आने वाले भविष्य के लिए साइंस वैज्ञानिक तैयार करना होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे स्वयं ज्ञानवर्धक मॉडल बनाकर लाए हैं और ऐसे आयोजन करने से बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, बच्चों का एक्सपोजर होता है और वह आने वाले समय में तैयार होकर भारत के लिए नए वैज्ञानिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि इस जिला स्तरीय साइंस एग्जीबिशन में अव्वल आने वाले छात्रों को प्रदेश स्तर पर होने वाली साइंस एग्जीबिशन में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास करना भी होता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर क्विज कंपटीशन, डिबेट व अन्य कार्यक्रम भी साइंस एग्जीबिशन के अंतर्गत करवाए जाएंगे। देखिए साइंस एग्जीबिशन की आकर्षक झलकियां। जी क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम रितिका है, मैं गोरविट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौता से हूँ। ये मैंने मोबाइल रेडिएशन के इफ़ेक्ट के बारे में बनाया है। जब आज हमारे लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है, आज हर जगह मोबाइल उपयोग किया जाता है। तो जब हम मोबाइल का उपयोग करते हैं तो जो उसका हर जगह उसके टावर लगाए जाते हैं, उस मोबाइल में से उसके टावर से 10^-6 तरंग दैर्य अधिक निकलती है, जो बर्ड्स के लिए और ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो ह्यूमंस वहाँ पे इसकी जो रेज है वो 300 मीटर के दायरे तक जाती है, और जो आदमी वहाँ पे रहता है ना तो उसको डिप्रेशन, सिर दर्द, कम नींद आना, ऐसी कुछ बीमारियाँ या फिर आप प्रॉब्लम बोल सकते हो सकती है। और जब एक टावर की रेज 300 मीटर दूर किसी दूसरे टावर की रेज वेव्स तक जाती है तो उसके बीच में जो बर्ड्स आते हैं उन जो इसकी रेज है वो सीधा बर्ड्स के हेड पर इफेक्ट करती है, जिससे उसके हेड के अंदर हीट पैदा होती है और उसके न्यूरॉन्स बचाव के क्या कर बताए अपने बचाव इससे इससे बचाव ये हो सकते हैं कि जो हमें मोबाइल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट पर मैंने अपना टॉपिक बनाया। क्या संदेश देना चाहते हो से हमें ये संदेश देना चाहते हो कि हमें प्लास्टिक कम से कम यूज करनी चाहिए। स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर जाए, प्रदर्शनी लगाई घर से। आज जो समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से जो है जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में लगभग 172 स्कूलों से बच्चों ने आना है, जिसमें से मॉडल डिस्प्ले है, सेमिनार है, डिबेट है, सेमिनार डिबेट है, साथ में स्किट है साइंस से संबंधित, और साथ में पेंटिंग कंपटीशन है। और ये इस प्रतियोगिता के अंदर जो है चारों स्ट्रीम्स के अंदर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज़ दिया जाएगा, जिसमें 1500 फर्स्ट को, सेकंड को 1000 रुपये और थर्ड को 500 रुपये का प्राइस जो है वो दिया जाएगा। कैश प्राइस दिया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये जिला स्तरीय है, फिर स्टेट स्तरीय आगे दो, इसके बाद जो है ये स्टेट पे जाने हैं बच्चे। और इसी कड़ी में इसके साथ साथ ही यहीं पे एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम भी आज हम करवा रहे हैं, जो क्विज कम्पिटिशन है ब्लॉक स्तरीय, जिसमें जनरल कंपटीशन है, जिसमें लगभग 300 बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या मकसद है ऐसी प्रतियोगिता कराने का? इस प्रकार की प्रतियोगिता कराने का मकसद यह है कि जिस प्रकार से ये साइंस एग्जीबिशन है, इस साइंस एग्जीबिशन का मतलब ये है कि हम फ्यूचर के जो है वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। बच्चा अपनी मर्जी से जो है, अपने दिमाग से, अपनी विवेक से जो है मॉडल तैयार करता है, जिसमें इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे फ्यूचर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है। अभी पिछले दिनों में हमने एक डिपार्टमेंट की तरफ से जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई थी, जिसके अंदर जो है हमारे यहाँ का एक बच्चा जो है फ्यूचर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट में स्टेट में गया, तो वो वहाँ स्टेट में भी उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो इस प्रकार से हम इन प्रदर्शनी का मकसद और उद्देश्य एक ही रहता है कि हम जो है बच्चों के अंदर जो एक्सपोजर दें और उनको जो है बाहर निकलने का मौका दें, और इस प्रकार से बच्चे जो है अपने कल खुद से आगे बढ़ते हुए जो है कल के वैज्ञानिक को तैयार हो पाए। पूरा नाम आपका? मेरा मोहिंदर सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिलीवर्ड करना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।